हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बनाएंगे लौकी के पराठे। ये देखिए, ये करीब एक कप लौकी है जो मैंने कद्दूकस करके रखी हुई है। इसको हम अपने पराठ में डालेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे आधी छोटी चम्मच, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, एक चुटकी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे हम अजवाइन 1/4 छोटी चम्मच, और ये जीरा हाथ से कस करके डालेंगे, और डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें एक हरी मिर्च डालेंगे काट के, और बारीक बारीक काट के हरी मिर्च डाल देती हूँ मैं इसमें। आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, लहसुन खाते हैं तो, प्याज भी डाल सकते हैं छोटा छोटा काट के। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, ये ज़्यादा तीखी नहीं है तो मैं पूरी एक मिर्ची डाल दे रही हूँ। अब हम इसमें सूखा आटा डाल के इसका आटा लगाएंगे, हमें पानी नहीं डालना है, और सूखा आटा जितना डालेंगे उतने में ये हमारा डो बन जाए पराठे बनाने लायक। ये देखिए, ये 3 मुट्ठी आटा मैंने डाला है। ये डो हमारा अभी पतला है, अभी हमें डो और पतला लग रहा है, तो हम इसमें और थोड़ा सा आटा डालेंगे। ये लौकी के पराठे बनाने का सबसे इजी तरीका है क्या, बाकी जब हम बनाते हैं लौकी के पराठे तो वो ज़्यादातर बिलने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, लौकी बाहर निकल जाता है, तो इस तरह से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे आपके लौकी के पराठे। और ज़्यादा दम लगा के हमको आटा नहीं लगाना है, वरना हमारी लौकी पानी छोड़ेगी, आटा पतला होता जाएगा हमारा, और फिर हमको इसमें आटा बहुत ज़्यादा मिलाना पड़ेगा तो लौकी का टेस्ट कम आएगा। फिर देखिए, और टाइट आटा नहीं लगाना है, थोड़ा सॉफ्ट आटा लगाना है। हमारा लग गया है, अब हम थोड़ी देर इसको रखा रहने देते हैं, पर ज़्यादा नहीं रखना है। इस तरह के जो भर के हम आटा लगाते हैं ना, उसको हम रखते नहीं हैं, क्योंकि फिर वो हमारा जो सब्जी होती है वो पानी छोड़ देती है, इसलिए हम इसके तुरंत ही पराठे या रोटियां सेक लेंगे। ये देखिए, अब हम पराठे को बेलते हैं अपने को। ये आटा हमारा चिपकता बहुत है, इसलिए आप सूखे आटे के साथ इसको बेलेंगे। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है हमें, थोड़ा मोटा ही रखें। तवा गरम करने में मैंने रख दिया है, ऐसे बेलने के बाद तवे पर हम डाल देंगे, और आप इसको घी ऑयल जैसे भी पसंद करते हैं उसके साथ सेक सकते हैं। मैं एक और बना लेती हूँ। देखिए, पराठा हमारा एक तरफ से सूख गया है। अब हम इधर ऑयल लगाएंगे, ऑयल घी जो आपको पसंद हो वो लगाएं अच्छे से।
दबा दबा के कुरकुरा होने तक हम इसको सेकेंगे। देखिए एकदम कुरकुरा करारा हमने अपना पराठा सेक लिया है। वैसे हम सारे पराठे सेक लेंगे, टेस्टी और हेल्दी लौकी के पराठे झटपट बनने वाले। तो आप बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।